पुराने पेंशन नीति को बहाल किए जाने की मांग को लेकर आज दोपहर स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा बाइकों स्कूटियों से मुगलपुरा स्थित सांसद एसटी हसन के निवास पर पहुंचे और घंटी बजाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। एमपी डॉक्टर एसटी हसन को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सरकारी विभागों के कर्मचारी और जिला अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे मेडिकल बार काउंसिल के पदाधिकारी और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बड़ौदा ने बताया कि हमारी ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। इस अवसर पर हेमंत चौधरी, निश्चल भटनागर, पूनम मैसी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम है जो प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किया जा रहा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। आज सांसदों के माध्यम से प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 2005 से जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, तो उनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, इसको लेकर ज्ञापन दिया जाए। इसमें कौन कौन से विभाग आपके साथ हैं? इसमें मुरादाबाद के सभी के कर्मचारी और शिक्षक शामिल हैं। शिक्षक और कर्मचारियों का एक संगठन है अटेवा, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारे तमाम कर्मचारी विभिन्न मार्गों से सांसद आवास पर पहुँचे।